देयर वॉज वंस अ किंग ऑफ इंग्लैंड हिज नेम वॉज जॉन। किसी समय में इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम जॉन था। ही वॉज अ बैड किंग, वह बहुत ही बुरा राजा था। फॉर ही वॉज हर्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल, वह अपने प्रजा के लिए बिल्कुल कर्कश और निर्दयी था। एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे, और जितना हो सकता था वह अपना ही तरीका इस्तेमाल करता था किसी भी कार्य के लिए। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने प्रजा के लिए कोई भी देखभाल का कार्य करता ही नहीं था। नाउ देयर वॉज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी अ रिच ओल्ड एबट, यानी कि हेड ऑफ मॉन्क्स, हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे। अब उसी शहर कैंटरबरी में एक बहुत ही अमीर बूढ़ा महंत रहता था जो कि हेड ऑफ मॉन्क्स था, यानी सभी पादरी का हेड था। और वो एक बहुत बड़े घर में रहता था, उस घर का नाम द एबे था। एवरी डे 100 नोबल मैन सेट डाउन विद हिम टू डाइन, हर दिन सैकड़ों की संख्या में विद्वान लोग उसके पास आते थे और बैठकर साथ में भोजन करते थे। While 50 brave knights in fine velvet coats and gold chains waited upon him at his table, और 50 की संख्या में जो बहादुर योद्धा थे, brave knights, मखमल के कोट पहने हुए, गले में सोने के चेन पहने हुए, उसका टेबल में इंतजार करते थे। When King John heard that the abbot was living a better life than a king, he made up his mind to put a stop to it. और जब राजा जॉन ने यह सुना कि कोई एबट नाम का व्यक्ति है जो कि उससे बेहतर जीवन जी रहा है, तो राजा ने सुनकर यह मन बनाया कि अब तो इस पर रोक लगाना पड़ेगा भैया। सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम, इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाए उस बूढ़े आदमी को पकड़ कर लेकर आए, उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। सीन वन एट किंग जॉन्स कोर्ट, पहला दृश्य राजा जॉन के दरबार का। Well, Father Abbot, I hear that you keep a far better house than I. ए महंत बाबा, हम सुने हैं कि तुम मेरे से भी सुंदर घर में रहता है। How dare you do such a thing? तेरा हिम्मत कैसे हुआ रे ऐसे करने के लिए? Don't you know that no one in the land should live better than the king? तेरको पता नहीं है कि इस धरती पे मुझसे बेहतर जिंदगी जीने का किसी को कोई हक नहीं है, समझे? ओ किंग, आई बेग टू से दैट। हे राजन, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज माय ओन। मैं वही खर्च कर रहा हूँ जो मेरा है। आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। राजन, मैं आशा करता हूँ आप मुझे गलत ना समझे। फॉर मेकिंग थिंग्स प्लेजेंट फॉर माई फ्रेंड्स एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विथ मी, वे लोग जो मेरे साथ रहते हैं, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे बहादुर योद्धा हो, उनके साथ रहकर खर्च करके मुझे खुशी मिलती है राजन, इसलिए मुझे गलत ना समझे। There is no question of misunderstanding you. ना महंत बाबा, ना ना, गलत समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। All that there is in this land is mine by right. मेरे इस भूमि पर जो कुछ भी है महंत बाबा, सब पे सब मेरा हक है, मेरा, समझ रहे हैं ना बात को? And how do you dare to put me to shame by living in grander style than I? इतना हिम्मत कैसे हो गया महंत बाबा कि मेरे को शर्मिंदगी महसूस कराने का, मेरे से बेहतर जिंदगी जीने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? One would think that you were trying to be king in my place. कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो यही सोचेगा ना कि मेरे बदले में तुम राजा बनने की इच्छा रखते हो, हाँ? बोल। Oh, do not say so, for I. हे राजन, ऐसा ना कहें, मैं तो केवल Not another word. बस चुप हो जा। अब एक भी शब्द नहीं बोलेगा। Your fault
is plain. Tera galti pratyaksh dikh raha hai Mahant Baba. And unless you can answer me 3 questions, aur jab tak tum mere 3 prashno ka sahi uttar nahi na diya Mahant Baba, your head shall be cut off. Hum tera sar katwa denge. And your riches shall be mine. और उसके बाद तेरा पूरा प्रॉपर्टी, तेरा पैसा, तेरा खजाना सब मेरा हो जाएगा रे महंत बाबा। आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओ किंग, हे राजन, मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वेल, तो ठीक है। देन एज आई सिट हियर विद माय क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माय हेड, तो अभी तेरे को जैसे दिख रहा है कि हम अपने सिर पे सोने का मुकुट पहन के यहाँ बैठे हैं, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे, तुम मेरे को एक दिन में बता महंत बाबा, जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लाइव, कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा। सेकंडली, दूसरा प्रश्न, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड। दूसरा प्रश्न ये बताना है कि हम कितना साल के अंदर पूरे दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। एंड लास्टली, और लास्ट प्रश्न, यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक। और सबसे अंतिम प्रश्न महंत बाबा, ये बताइए कि हम सोच क्या रहे हैं, क्या सोचते हैं हम, जवाब तो देना होगा महंत बाबा आपको। ओ किंग, हे राजन, दिस आर डीप हार्ड क्वेश्चंस and I cannot answer them just now. Hey Rajan, आपके सवाल बहुत ही गहरे, बहुत ही कठिन हैं। अभी तुरंत मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा। But if you will give me 2 weeks, लेकिन राजन, अगर आप मुझे 2 सप्ताह का समय दे दे, to think about them, इन प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए, I will do the best that I can. तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आपको दूंगा जितना कि मैं दे सकता हूँ। 2 weeks you shall have. 2 सप्ताह ना, ले ले महंत बाबा, ले ले 2 सप्ताह, जा दिया तेरे को। But if then you fail to answer me, लेकिन 2 सप्ताह के बाद भी अगर तुम आंसर देने में फेल हो गया ना महंत बाबा, you shall lose your head. तो तुम अपना सिर को ना गवा दोगे महंत बाबा, सिर को गवा दोगे। एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन, और तेरा पूरा जमीन भी मेरा हो जाएगा महंत बाबा। द एबट लिफ्ट्स द कोट सैड एंड इन ग्रेट फियर। महंत उदास और डर के साथ उस दरबार से चला गया। He writes to the famous universities of England, the Oxford and Cambridge, to find the answers. वह घोड़े पर सवार होकर प्रसिद्ध प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड के थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ गया जवाब की तलाश में। But none of the wise men are able to help him. लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसकी मदद के लिए समर्थ ना हो सका। At last, sad and sorrowful, और अंत में दुखी मन से निराश होकर, he writes towards home to bid his friends and his brave knights goodbye. वह घोड़े पर सवार होकर वापस अपने दोस्तों और अपने बहादुर योद्धा को अलविदा, अंतिम अलविदा कहने के लिए आया। For now, he had less than a week to live. क्योंकि अब उसके पास जीवन जीने के लिए 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था। Scene 2, in the countryside. दृश्य दूसरा, देहात वाले इलाके में। As the abbot rides up the lane which leads to his grand house, he meets his Shepherd going to the fields. रास्ते में वापस लौटते हुए महंत को एक गडेरिया मिला जो अपने खेत में जा रहा था।
Welcome home, good master. What news do you bring us from the great king, John? आपका स्वागत है मालिक. राजा जॉन के पास से आप हमारे लिए क्या समाचार लाए हैं? Sad news, बहुत बुरा खबर है. The abbot tells the full story to the shepherd. फिर महंत ने सारी कहानियां उस गडेरिये को सुना दी. Cheer up, good master. मालिक, आए मेरे मालिक, खुश हो जाइए. Have you never yet heard that a fool may teach a wise man wit? क्या आपने नहीं सुना कि एक मूर्ख भी एक विद्वान को चलाके सिखा सकता है? I think I can help you out of your trouble. मुझे लगता है कि मैं आपको इस संकट से निकाल सकता हूँ. How can you help me? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? Well, you know that everybody says that I look just like you. देखिए फादर, सभी कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता हूँ. And that I have sometimes been mistaken for you. और इसी की वजह से मैं कभी कभी आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाता हूँ. So lend me your servants and your horse and your gown and I will go up to London and see the king. इसलिए ऐ मालिक, आप एक काम कीजिए, अपने सारे नौकर, अपना घोड़ा, अपने वस्त्र मुझे उधारी दे दीजिए. मैं आपके बदले लंदन जाऊंगा एंड सी द किंग और राजा से मिलूंगा. इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, और अगर मैं कुछ नहीं भी कर सका, आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस. कम से कम मैं आपकी जगह मौत को तो गले लगा सकता हूँ. मैं तो मर सकता हूँ आपके लिए. माई गुड शेपर्ड, यू आर वेरी वेरी काइंड एंड आई हैव माइंड to let you try your plan. But if the worst happens, you shall not die for me. I will die for myself. देखो मेरे प्यारे गडेरिये, तुम बहुत बहुत दयालु हो, मुझे पता है. मैं तुम्हें अपने अनुसार प्लानिंग के तहत काम करने भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो तुम मेरे बदले नहीं मरोगे, मैं अपने बदले खुद मरूंगा. So the shepherds gets ready to go. और इस प्रकार वह गडेरिया जाने के लिए तैयार होता है. He dresses himself with great care. बहुत ही सावधानी से वह उस महंत का रूप धारण करता है. Over his shepherd's coat, he throws the abbot's long gown. वह गडेरिया अपने कोट के ही ऊपर उस महंत का लंबा गाउन पहन लेता है. And he borrows the abbot's cap एंड गोल्डन स्टेफ, और साथ ही साथ वह उस महंत की टोपी और वह सुनहरी छड़ी भी रख लेता है. Then he mounts his horse. फिर वह उसके घोड़े में सवार होकर एंड विद अ ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट्स आउट फॉर द लंदन, और अपने नौकरों के साथ वह लंदन की ओर रवाना हो जाता है. सीन 3 एट किंग जॉन्स कोर्ट. दृश्य तीसरा, राजा जॉन के दरबार का. वेलकम सर अबाट, इट इज गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, बट इफ यू फेल टू आंसर माय थ्री क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड. आ जाओ महंत बाबा, आ जाओ. बहुत अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए. ध्यान देना, अगर तुम मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर देने में फेल हो गए ना महंत बाबा, तो तेरा सर हम कटवा लेंगे. I am ready to answer them. O king, हे राजन, मैं उन तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ. Indeed, indeed. निसंदेह, निसंदेह. Well then, answer my first question. तो ठीक है रे महंतिया, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रे. How long shall I live? मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा? Come, you must tell me today itself. चलो आओ, आज जल्दी से इसका जवाब दो महंतिया. You shall live until
द डे दैट यू डाई। हे राजन, आप उस दिन तक जियोगे जिस दिन आपको मरना है, एंड नॉट वन डे लॉन्गर, और उससे एक दिन भी आप ज्यादा नहीं जी सकते हो। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, और आप तभी मरेंगे जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे, एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, उस आखिरी सांस से जब तक आपकी आखिरी सांस होगी उससे एक क्षण भी पहले आप नहीं मर पाएंगे राजन। तुम तो बहुत सयाने निकले, बहुत चलाक हो तुम। आई सी समझ गया मैं, बट वी विल लेट दैट पास। चलो तुम्हारा यह उत्तर सही मानते हैं। अच्छे, अब मेरे को बताओ दैट योर आंसर इज राइट, एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि मैं कितने समय में पूरी दुनिया का सैर कर सकता हूँ। हे राजन, यू मस्ट राइज विद द सन, आपको सूर्योदय के साथ ही उठना होगा, एंड यू मस्ट राइड विद द सन अंटिल इट राइजेस अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और आपको सूर्य के साथ ही घोड़े पर सवार होकर उसी स्पीड से तब तक चलना होगा जब तक कि अगली सुबह सूर्य उग नहीं जाता। एज सुन एज यू डू दैट, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, यू विल फाइंड, राजन आप पाएंगे दैट कि यू हैव राइडन राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, कि आपने इस पूरी दुनिया का चक्कर 24 घंटे में लगा लिया है। I did not think that it could be done so soon. मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मैं कर लूंगा। You are not only witty, तुम केवल चालाक ही नहीं हो, but you are wise, तुम तो बहुत बुद्धिमान भी हो। And we will let this answer pass. चलो इसका भी उत्तर मैं पास कर देता हूँ, तुम सही जवाब दिए हो। And now comes my third and last question. लेकिन अब मेरे आखिरी और अंतिम प्रश्न का जवाब तो दो महंत बाबा। What do I think? मैं क्या सोचता हूँ? बोलो बोलो। राजन, that is an easy question. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है राजन। You think that I am the abbot of Canterbury? आप यही सोचते हैं कि मैं कैंटरबरी का एक महंत हूँ, पादरी हूँ। But to tell you truth, लेकिन राजन आपको सच बताऊं, I am only his poor shepherd. मैं तो केवल उसका बेचारा एक गड़ेरिया हूँ, गड़ेरिया। And I have come to beg your pardon for him and for me. और राजन, मैं आपके पास आया हूँ अपने मालिक के लिए भी और अपने लिए भी, आपसे क्षमा याचना करने के लिए। राजन, प्लीज राजन, हमें क्षमा करें। You shall be the abbot of Canterbury in your master's place. अब अपने मालिक की जगह कैंटरबरी का अगला महंत तुम ही बनोगे। Okay, that is not possible, for I can neither read nor write. Hey Rajan, ये संभव नहीं है, ना तो मैं पढ़ सकता हूँ और ना मैं लिख सकता हूँ। Very well, Dad. बहुत बढ़िया। I will give you something just to pay you this marriage, oh, तुम्हारे शानदार मजाक के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। I will give you 4 pieces of silver every week as long as you live. जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, हर सप्ताह तुम्हें 4 चांदी की सरफियां मिलेगी। बोलो बोलो, कैसा है ना मजेदार? And when you get home, और जब तुम यहाँ से घर वापस जाओगे,
यू में टेल द ओल्ड अबट उस बूढ़े महंत को कह देना उस पादरी को महंतिया को कह देना दैट आई हैव पार्डन हिम बिकॉज ऑफ यू कि मैंने उसे माफ कर दिया है उसकी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से द स्टोरी एंडेड कहानी समाप्त होती है।